हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 11 बजे से, और छांस पीते पीते आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और मैंने छांस में ना थोड़ा सा नमक मिलाया हुआ है, क्योंकि मुझे ना नमकीन छांस बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बहन भाई लोग ना सब मीठी छांस पीते हैं, मतलब छांस में चीनी मिला के पीते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक घूंट भी नहीं पी सकती हूँ, तो इसलिए मैं ना नमकीन छांस ही पीती हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपको ना यहाँ से आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो, आज के मौसम के हाल कुछ इस तरह के हो रखे हैं। गर्मी से इतने बुरे हाल हो रहे हैं ना। इस बार परसों मैंने आप लोगों को दिखाई थी, 5 मिनट की बारिश आई थी बस, उसके बाद से एक दिन भी बारिश नहीं आई है। और सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है इस बार, पता नहीं क्या हो गया इस आसमान को भी। और हमारी माता श्री भी यहाँ पे वेट कर रही है कि कब कैमरा हम पे लगे। को प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक? दोस्तों, तो मेरे को हो गई बहुत धूप, मैं तो अंदर जाने वाली हूँ अब सीधे। बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा भाई धूप में, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है दोस्तों। तो आइए आप भी बैठ के अंदर बोलो क्या बोलना है। दोस्तों, घास के लिए जा रखी थी वही भैंस गाँव, मैं मोनिका गई थी, इतनी दूर डबड़िया डबड़िया के दोस्तों, इतनी थकान लग जाती है ना, क्या बताएं। बहुत धूप लगी हुई है खेतों में भी, जंगल में भी, घर में भी, कहाँ जाना है। मैं तो बोल रही हूँ पता नहीं यहाँ ऊपर कौन बैठ रखा है इतना जिद्दी, जो बारिश ही नहीं आ रही है। इंद्रदेव नाराज हो गए शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, घास लेके आई, नहा धो के कपड़े कुपड़े धोए, अभी तक चाय पानी पिया, अब थोड़ा आराम करती हूँ। इंसानों ने इतना आतंक मचा दिया धरती पे कि इंद्रदेव भी नाराज हो गए। बात तो सच है, सच में। पहले तो देखो सावन का महीना, कल से सावन का महीना लगने वाला है, तो कितनी बारिश रहती थी। एक दिन में लोग 2-3 जोड़ी कपड़े बदलते थे, गांव की औरतें ना घास ले जाती थी, तो 2-3 जोड़ी कपड़े बोलते थे, कभी सूखते भी नहीं थे कपड़े की, अब क्या पहना। तो देखो अब तो ऐसे हो रखा है की क्या बताए भाई, इतने लोगों में कुछ नहीं है, इतने लोगों में कुछ नहीं है, मतलब कहना क्या चाहते हो मम्मी? पता नहीं कभी कभी क्या बोलना चाहती है, पता नहीं क्या बोल देती है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, इतना अत्याचार हो गया हमारी धरती पे, मेरा घिचड़ी रबड़ा जाता है ना कभी, तो मुझे अपने पे हंसी आती है, क्योंकि हमारी धरती पर अत्याचार हो गया, ना शर्म है ना लाज है कुछ नहीं। मैं और कोई बोल रहे होंगे, इसने भी मैक्सी पहन रखी है घर में, दोस्तों क्या करूँ घर में, मैक्सी पहनना क्या गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, कपड़ा कोई भी पहनो, शरीर ढका होना चाहिए, ढका होना चाहिए ना। पर ये जो भी दे रहा है कुदरत का कहर है दोस्तों, जो इंसानों को दिला रहा है कि देखो तुम्हारे ऐसे हाल है, तुम ऐसे मरो, कभी गर्मी से मरो, कहीं बारिश से मरो, क्योंकि इंसान ही सबसे बेकार हो गए सच में। न शर्म, न लाज, न दया, न धर्म, कुछ नहीं। कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तब हमें ये मिल रहा है शराब सच में। वही तो। और बाहर देखो इतनी तेज धूप लगी हुई है, बाप रे बाप, बिल्कुल भी नंगे पैर खड़ा नहीं हुआ जा रहा बाहर पे। ये देखो, मैं तो अपनी गर्मी छांस पी के मिटा रही हूँ। तो फिलहाल मैं सबसे पहले छांस पीती हूँ, उसके बाद दिन का खाना बनाती हूँ, क्योंकि लंच बनाने का टाइम भी हो ही गया है। तो जल्दी जल्दी छांस पी के अपनी गर्मी उतारती हूँ। और आप लोगों को भी ना घर के छांस की याद आ रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों को तो बस दिखा सकते हैं। तो मैं मस्त करके इतना बड़ा गिलास छांस का पीती हूँ। अभी खाना तो मेरा बन चुका है, अभी मैं धारा जा रही हूँ ठंडा ठंडा पानी लेने के लिए, क्योंकि भात खाने के लिए ठंडा पानी चाहिए होता है धारे का। तो अभी मैं जा रही हूँ धारा पानी के लिए। अभी मैं धारे से लेके आ गई हूँ ठंडा ठंडा पानी हंडे में। वैसे हमारे घर पे नल का पानी तो आता है, लेकिन पीने के लिए हम लोग ना धारा का पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में खूब धारे हैं, लगभग 5-6 धारे हैं, तो पीने के लिए सब लोग धारे का ही पानी ले जाते हैं, और बाकी जो पानी नल पर आता है उसका यूज़ और काम के लिए करते हैं। ये देखो, दादी भी पहुँच गई है धारे में पानी लेने के लिए। क्या काम है बाबा? ठंडा ठंडा पानी है। क्या खाना? 5 दिन तक क्या खाए? 5 दिन तक क्या खाए? पानी का अच्छा। तो दोस्तों, अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे आरू निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपनी क्वीनो वाली सार में घास निकालने के लिए। तो हमने सोचा रस्ते के लिए चलते चलते हम लोग आरू खाते रहेंगे, क्योंकि इतने सारे लगे हुए हैं तो बर्बाद भी इन्होंने होना ही है। तो यहाँ पे हमारी चाची झाड़ रही है आरू। हेलो मैडम जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, अच्छे होंगे आप, हम भी बहुत अच्छे हैं।
और आपने भी अगर आरो खाने हैं तो पहाड़ी आरो खाने आ जाओ, वही तो सीधे हमारे घर पे पहुंच जाओ। तीसरा खाया मोनिका, नमक नहीं ला रखा मैंने रोज, क्या है नमक के सवा। मैं भी ले गई थी इसके घर से नमक मोनिका, इसीलिए तो बोल रही हूं मम्मी अपने दो और नमक भी अपना घर का दो, सब कुछ अपने घर का दो। मम्मी ने चंगेरी में रख दिया, अभी रास्ते में कोई मिलेगा, रास्ते में कोई मिलता है तो उनको देने के लिए होता है। अभी हम लोग जाने लगे हैं खेत की तरफ और यहाँ पे देखो हमारे गांव में मक्के की खेती कैसी हो रखी है। खूब अच्छी मुंगरी हो रखी है लेकिन बंदर रखते ही नहीं है। ये देखो इधर साइड भी हो रखे हैं और हमारी सिंगर चाची भी चल रही है आगे आगे। हेलो मैडम जी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों तो दोस्तों धूप नहीं, इतनी थोड़ी धुबा धुप कर दिया क्या, वही तो बारिश ही नहीं आ रही, क्या करें। मेरी दीदी का तो दोस्तों क्या कहना है, मैं कुछ बोल नहीं सकती। क्या वो बोल 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 बोलो बोलो, नहीं तुम्हारा कुछ कहना क्या है, इतनी हवा आई। आप समझ जाना, आप लोग कमेंट करना ठीक है। हवा आई दोस्तों यहाँ से, अब मैं क्या बोलूं। अगर कोई गेस कर पा रहे हैं तो बताना ये क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। चैलेंज चैलेंज है अपने लिए, जिसने सही गेस कर लिया उसके लिए चाची तब कुछ बोलेगी, ठीक है चाची। अब गेस करना क्यों हंस रहे हैं ये। चलो आप यहाँ पे देखो हमारी सरला चाची हमारे लिए आम लेके आ गई हैं। चाची खूब दिलदार है सब चीज के लिए, सब चीज देती है, हमें साग सब्जी जो वो साग सब्जी देती है, वही तो सब बोलेंगे दोस्तों तो और देती है। हाँ दिलदार दिल है। अरे ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए बोल रहे, लेकिन सही में साग सब्जी हो कुछ भी, कुछ भी चीज बोलो, एक जुमान बोला मैंने उसको, आम कहा है तेरे, खास कर धनिया ना, धनिया धनिया हाँ। तो इतना खिलाया इसने हमको हाँ। कि क्या बात, अमुंगरी की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ना आपको हाँ। जो आप हमें वक्त वक्त पर खिला। दोस्तों इधर की साइड तो मक्का खूब होता है, ये देखो हमारी साइड तो वहाँ बंदा नहीं रखते, इतने सारे मक्का हो रखे हैं यहाँ, इसलिए ये लोग हमें मक्का खिला रहे हैं। सिंगर चाची बैठी क्यों है यहाँ पे, क्यों बैठी, धूप हो रही है, धूप यही तो हम तो बीमारी, चाची को एलर्जी है ना, मैंने मेरी दीदी को बोला उसको बताना, मुन्नी को बताना जरूर कमेंट में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे दादी के यहाँ पे आरू खाने के लिए, देखो कितने बड़े आरू हैं, और दादी हमें झाड़ के दे रही है यहाँ से। यहाँ पे हमारी फूफू भी है, हेलो कब आए, अच्छा ये देखो इतने बड़े आरू हैं, चाची तो खाने भी लगे भाई, कितने मीठे हो रहे हैं, मीठा बहुत है बाबा, छकी पड़ी ना। ये देखो भाई ऐसे आरू गाँव में किसी के नहीं है इतने बड़े। रस्ते में जाते जाते हमें कितने फल फ्रूट खाने को मिल गए, आम भी मिल गए और आरू भी मिल गए इतने बड़े बड़े, ये देखो लाल हो रहे हैं। ठंडा हो जाएगा दोस्तों, मेरा पीछे टूट पड़ी हुई है दोस्तों, इसको समझा चाची, फिर रेडी पड़ गई आज चाची, रेडी पड़ गई है दोस्तों। अरे ठंडा होना चाहिए, मेरी दीदी को बहुत खा ले, आराम से खाओ दोस्तों। गेस करना चाची, ऐसा क्यों बोल रहे चाची, बहुत आफत आ गई आज है ना चाची, इतनी आफत दोस्तों, इतनी आफत जिंदगी में कभी नहीं आए होंगे। अब बताना क्यों आई आफत है, हवा यहाँ से इधर आई ना दोस्तों, सर 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 करके। मम्मी को हंसी आ रही है, ये और इतने अच्छे हो रहे ना, ये तो पागल है, इसका जवाब मत देना कुछ भी, कोई नहीं लोगों को पता लग जाएगा ना कि किस चीज की बात हो रही है। तो लगने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इनको पड़ेगा ना, मैं तो बिंदास हूँ भाई, जो जो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों फर्क इनको क्या पड़ना है, इनका शरीर तो हल्का हो जाता होगा। इनका शरीर हो जाता है गरा, लेकिन मेरा मेरी खोपड़ी ऐसी धुबड़ी दुबा दो मेरी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, खेत में तो अभी पहुंचे नहीं, जितनी माता पहुंचा पूरा। इनकी ऐसी हंसी मजाक चलती रहती है, ये पागल है, सबसे ज्यादा पागल है। तो यहाँ पे बैठ के पहले आम खाते हैं, फिर आरू खाते हैं, तब जाते हैं खेत में। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने क्विनो वाली सार में और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का अनाज हो रखा है। ये है अपना चौलाई का पौधा, इस पे भी थोड़ा थोड़ा बाली आने लगी है ये देखो, और बाकी इधर साइड देखो कोदा झंगोरा है, तोर की दाल भी है। दोस्तों तीन बार काटना पड़ता है, ये देसी चौलाई है ये। अच्छा तीन बार काटते हैं इसको, इस पे तीन बार आएगी चौलाई, मतलब एक बार काटेंगे फिर दोबारा, फिर दोबारा काटेंगे फिर तिवारा, तीसरी बार के बाद नहीं आता चौथी बार। तो अभी हम लोग यहाँ पे घास निकालते हैं, वैसे हम लोग सोचे थे उस वाले छोड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अनाज इतना बड़ा बड़ा हो रखा है, उधर जाने के लिए नहीं हो रहा है, अनाज भी टूट जाएगा और ऊपर से डर भी लग रहा है क्योंकि आलन आलन हो रखा है बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोग इधर साइड ही निकालते हैं घास। तो दोस्तों अभी घास निकाल के सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पे हमारी चाची भी आ गई हैं। हेलो चाची। हेलो चाची, जा रही हैं मच्छी खुजाने, मच्छी खुजाने जा रही है चाची, और उनका बेटा रहता है दोस्तों आर्मी में हाँ। और उनका बेटा आजकल घर आ रखा है, एक महीना रहा घर में बेटा, दो महीना रहा हाँ। तो उसको बहुत खुद लग रहा है, उसकी माँ अभी बातें कर रही थी, हमारा भी गला भर के आ रहा है, नौकरी पे तो जाना ही है, क्या करना है, कोई बात नहीं। और चाची जा रही है मरछे के पत्ते लेने के लिए है ना, चौलाई के पत्ते लेने के लिए मछली बनाएंगे। दादी भी ला गई घास, दादी भी घास लेके आ गई है देखो।
दादी भी बोली यार घास लेगी। दादी भी खूब मेहनत है भाई, ओ बहुत काम काजी है दादी। हम नौकरी पर लगन वाल छ यार मैं। दादी भी कॉल दोस्तों, दादी का कॉल कभी भी आ सकता है, कॉल लेटर कभी भी आ सकता है। नहीं वो कभी भी ऐसा करो। चलो तो चला था हुआ, बाय बाय। अभी शाम के लगभग 7:15 हो रहे हैं और सामने से इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना, ये देखो पहाड़ों के बीच से, देखो कितना प्यारा लग रहा है। साथ यार बीच में बहुत बढ़िया साथ यार, हमारा गांव आया है उनको, बहुत बढ़िया ये लग चाहे हमारू। तो चलते हैं अभी घर की तरफ, सब लोग घास लेके जा रहे हैं अभी घर को।